इंसान की किस्मत बदलते हुए ना देर नहीं लगती। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी स्पीति वाली डॉक्यूमेंट्री जानी है उसका वॉइस ओवर लिख रहा था मैं बैठ के, फिर अस्पताल से फोन आ गया कि रेव थी जो हमारी ये गाय है वो ठीक हो गई, वो रिलीज हो रही है, तो उससे आके मिल लो। तो अब मैं पैडल मार के वहां पहुंचूंगा। मैं आपको इस स्क्रिप्ट के बारे में और एक दो और बातें बाद में बताता हूँ, पहले मैं वहां पहुंचूं। ओके जी, पहुंच गया अस्पताल। आज आई थिंक रिलीज पे भी कोई और जा रहा है क्योंकि आज हमारी सर्जरीज भी हैं। फिर सर्जरी शुरू हो गई है क्या? अच्छा, दोनों आंसर मिले ना मुझे, ठीक है। एक सेकंड, आज का प्लान डिस्कस कर लेते हैं, मैं प्राइवेटली कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारे रिलीज पे जिन्होंने लेके जाना उनसे तो हम मिले हुए हैं चाचा। हम रेवती से मिल लेते हैं पहले। हमारे पिछले कुछ दिनों में थोड़े ज्यादा बुल्स जो हैं वो खत्म हुए हैं। हमारे को कोई कारण नहीं पता क्यों, पर एक्चुअली होता क्या है कि तो इंजरी जिसके लिए आने में आता है वो तो सिर्फ बाहर की एक चोट होती है, लेकिन अंदर से हमेशा लिवर किडनी कुछ ना कुछ इम्पैक्टेड रहता ही है। रेवती वही है ना जिसका ये मैस्टाइटिस? हाँ। ये दोबारा प्रेग्नेंट होगी सर उस पर? हाँ। इसका बच्चा होगा? हाँ। फिर से इसके स्तनों में दिक्कत नहीं हो सकती? जितना मुझे जानकारी उस हिसाब से तो ठीक हो जाता है, बाद प्रोलैप्स पे आती है दिक्कत। हाँ, तो मैस्टाइटिस तो तभी होता है जब कोई मतलब गंदी तरह से दूध दोहता है। दूध दोहना वैसे ही मतलब बच्चे का काम है, इंसान कर रहा है तो टेढ़ा ही करेगा। ये जाएगी कहाँ पे वापस? सर ये जैसिंगपुर से थोड़ा और आगे लोकेशन है। ओ, मुझे ये केस याद है, ये लोग आए थे, ये हमारे को डोनेट भी करके गए थे, बट उन्होंने बोला था कि मैम हम लोग नौकरी वाले लोग हैं, यही लोकल में काम था तो हम यहाँ आए हुए थे, लेने नहीं आ पाए, आप छुड़वा देना। जैसिंगपुर के आगे और 10 किलोमीटर टाइप की जगह है जिसमें यहाँ का कोई भी लोकल ड्राइवर जाने को भी तैयार नहीं, तो हमें अपना ही। तो ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है गाड़ी वाड़ी लूट लेते हैं हम जा रहे हैं छोड़ने? नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं है। ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, वहाँ कोई क्यों नहीं जाना चाहता। अब दूर वाले केसेस का ना यही होता है, हम जैसे इसको छोड़ने जा रहे हैं तो हमारे दो लोग आधे से ज्यादा दिन के लिए तो पूरा दिन मान लो काफी दूर है, 90 से भी ज्यादा किलोमीटर की डिस्टेंस है। आपने कहा था 50 किलोमीटर? मैंने पर्टिकुलरली 86 किलोमीटर बाद में पता करके बताया था जब उनसे हमने करंट लोकेशन ली थी। अब है क्या कि भाई यहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर तक कोई ऐसी गाय की रिकवरी फैसिलिटी है नहीं, वो लोग अपना पैसा इकट्ठा करके इसको यहाँ ले आए, फिर वो हमें डोनेट भी करके गए, अच्छा है उसी पैसे से अब हम इसको छोड़ भी देंगे, पर ये कि हमारे पास लोगों की कमी है। कल हमने एंग्री को भी रिलीज कर दिया ना आफ्टर 6 मंथ। कुणाल ने शूट किया होगा, देखते हैं वो व्लॉग में आता है। एंग्री बच्चू कभी प्यार नहीं करने देता, मोटू कही के बच्ची गंदी लगती है। अच्छा जाते तो गंदी हो चुकी है। ये जिस बूंद के लिए आया था वो ठीक हो चुका है काफी लंबे समय के बाद। कितना? फिर भी 6 महीने 7 महीने? इससे ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है, ठंड से है ये, अब तो नहीं ठंड आने वाली है। ओ भाई हैंग्री, इतना टाइम कैसे लग गया सर इसको? स्वेलिंग काफी ज्यादा थी, वो प्राउड फ्लैश बन जाता है तो उसको रिड्यूस करने में काफी टाइम लगा, तो अब हम इसको रिलीज कर देंगे ताकि इसमें कोई और फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं आए और ये स्वस्थ होके जाए यहाँ से। दिखा दो उससे भी मिल रहा था। ये रेस्क्यू आया है, वेट इसकी पूंछ कहाँ है? अबैंडन काउ है, टैग से वो नंबर वाला हिस्सा काट लिया गया। सारी गाय अबैंडन्ड होती हैं, वो टैग बस हटा लेते हैं, लगे नहीं होते। सुंदर है गाय, फ्रेंडली है। नो आई एम नॉट मॉर्निंग पर्सन नहीं है वो, या उसने अभी ए, इसका तो लूज मोशन सा हो रखा है। यही मैं आपको कह रहा था, अब जैसे आई तो ये है कि भाई इसकी पूंछ में इंजरी है, पर अब जाहिर सी बात है अब ये जो लूज मोशन है वो पूंछ की इंजरी की वजह से नहीं, कुछ और है, इन्फेक्शन अंदर तक चला गया है, लिवर कॉम्प्रोमाइज है, किडनी में कुछ चल रहा है, र्यूमन में कोई समस्या है। तो कई बार ये होता है जब तक पूंछ ठीक हो रही होती है ना तो वो जो अंदर की समस्या है वो ऐसे मैनिफेस्ट हो जाती है कि हम आते हैं एक दिन और वो एनिमल खत्म हो चुका होता है, तो बहुत दुख और फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। ये तो वो है, मैं इससे मिला ही नहीं। ओ भाई साहब इसका तो लाल है। नाल ने स्टोरी ली थी कि अरे ये तो इतना बड़ा इतना बड़ा। हाँ। और उसके अगले दिन ये माशा आ गए बड़े वाले उधर कोने में। मुझे लगा कुणाल अपने से कंपैरिजन में उसको बड़ा लग रहा था कि भाई बड़ा बैल है, बड़ा बैल है। ओ बहुत सुंदर है, ये दोनों बहुत सुंदर है, पर इसका लाल नहीं है वो। ये नहीं, ये हेलो, तू झिलमिल की प्रजाति का ही लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट एकदम। मैं झिलमिल की प्रजाति थोड़ा बायस हूं, मुझे भोला की शक्ल भी झिलमिल से मिलती हुई लगती है। इसका क्या, इसका नाम रखना है? रखना है सर दोनों का नाम, ये कतार भी थोड़ा सा। ओहो यस, अभी गया था मैं। इसका नाम हम रखेंगे नूडल। हाँ। और उसका, उसके लिए है मेरे पास नाम एक आध। और ये जो टंगी हुई है वो सयानी। अबे तू किसका खाना खा रही है? ये गुस्से वाले का नाम अभी हमने नहीं रखा सयानी, इसको टॉलरेट कर रहे हैं लोग।
सैनी को नहीं, वो पता है इसी वाले गुल्ली में आके खाना खाती है और बिल्कुल बीच में खड़े हुए उधर ही इस तरफ। और कल मैंने देखा कि ये जो हमारी चमकीली खाना अपने नाक से ऐसे करके बाहर फेंक रही है ताकि वो खा पाए। लो तो इसकी चमकीली ज्यादा बनती है, क्या होता है ना, लेकिन जैसे मासियां ज्यादा वो रहती है यू नो। इसके अलावा जो हमारे पास चार पपीज आए थे याद है, जिसमें दो थोड़ी कमीज पहन के घूम रहे थे क्योंकि उनके घाव हो रखा था और बाकी वो दोनों को स्किन कंडीशन थी, तो उनसे मिलते हैं। स्किन कंडीशन वाले तो बहुत अच्छे से रिकवर हो चुके हैं और जो दो हैं जिनको वुंड था उनके वुंड भी बहुत छोटे छोटे से मतलब अच्छे से हील हुए हैं। हमारे दो नए टीम मेंबर आए हैं, एक तो अजय की जगह पे आए हैं, मैं उनसे मिला नहीं। दूसरा राधा को रिप्लेस करने के लिए एक सनम आई है, मैं घबराने वाली बात नहीं है, राधा कहीं जा नहीं रही, पर राधा अब मोर उस वाले रोल में होगी जहाँ पे उसको चीजें ऑब्जर्व करनी है, देखनी है, कोऑर्डिनेट करनी है, करानी भी है मेनली। ओके, ये तो बाजार सा लगा है यहाँ पे, ऐसे बाजार बोलना नहीं चाहिए डॉग्स को देख के, अब तो इंडिया में भी लोग डॉग मीट खा रहे हैं। ये और ये दो रिलीज हो रहे हैं, ये तो अलग नहीं हो जाएंगे सारे? नहीं, फिर हम वापस उसी जगह में दो चार दिन बाद इनको भी छोड़ देंगे। कट्ठे रिलीज करते तो बेटर रहता, जो आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ होना जाए। लगा रहता है क्योंकि इन्फेक्शन पपीज है ना, इनको कुछ हो सकता है। मैं बड़ी आपको एक नेगेटिव सी बात बोलता हूँ जो आपको नेगेटिव साउंडिंग लगी, अगर मैं पपी होता ना तो मैं एक सेफ जगह पे इन्फेक्शन से जाना प्रेफर करूंगा बजाय मुझे वापस वहाँ पे रिलीज कर दिया जाए जहाँ से मैं आया हूँ। आप इस बात को जिस तरह मर्जी लो, मेरे लिए एक सफरिंग फ्री लाइफ, एक सफरिंग फ्री डेथ इम्पोर्टेंट है देन जस्ट जियो विद सफरिंग। हेलो डार्लिंग, नोज कोल्ड वेट नोज, हमें भी खा जाओ मेरी उंगली तुम। इसे क्या हुआ राधा, क्या हुआ है? तो इस व्लॉग में ज्योति से आप काफी बात करते हैं, अगले व्लॉग में कोशिश करेंगे राधा का स्ट्रेस कम हो। अजगर से मिला, अजगर को हमने बंद कर रखा ना, जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया था। जैसे मैंने इंस्ट्रक्ट किया था यही सॉल्यूशन निकला था, अजगर अंदर हरास कर रहा था सबको, मतलब आउट पेशेंट से लड़ाई झगड़ा यार, नॉट कूल। बेसिकली वो सुबह आता है 9 बजे हमारे साथ, अजगर इधर 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 डोरे, अबे इतना तो बनता है, देखो रहने खाने को दे रखा है मुफ्त में, नॉन बीमार डॉग, पता है क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, फ्री लोडर्स को। संजय भैया को ना मेरा ये कैमरा नहीं पसंद, ये लेके देंगे मुझे कैमरा, कनॉट प्लेस से हैं संजय भैया, दिल्ली वालों को पता होगा। ये वो डॉग्स हैं, विनीता अपना एक रेस्क्यू, विनीता क्या चला रही है, शेल्टर या रेस्क्यू? शेल्टर है डॉग। तो ये सारे जो डॉग्स हैं ना ये आए हैं वो सर्जरीज के लिए। रे आ गया ट्रीटमेंट के लिए, रे 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 रे, अबे तू गाड़ी थोड़ा चलाएगा, चलो ये अपना ट्रीटमेंट खुद कराने आता है। इसको तो देखा था पिछली बार आया था ना। तो अब हम हफ्ते में ना दो दिन सर्जरीज करते हैं, वेंसडे सैटरडे। तो अभी जो विनीता के सारे डॉग्स हैं आपके, कितने टोटल 12 है ना? इस बार 12 है, तो हमने 6 कर दिए और 6 आज हो जाएंगे, फिर हम अपना पकड़ के यहाँ पे सर्जरीज शुरू करेंगे। और जो हमने स्पिति में स्टरलाइजेशन करी हैं उसकी फिल्म आने वाली है, बस इसी हफ्ते के अंदर आ जाएगी। एक सामाजिक समस्या को सुलझाना लगभग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जैसा होता है। सबसे पहले तो ये डिसाइड होता है कि खाना क्या है, फिर फैसला लिया जाता है कि खाना कहाँ है, और उसके बाद ही हम पहली गराई तोड़ सकते हैं। और हमने जो जगह चुनी वो थी स्पिति वैली। रे 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 जा, रे रे कहाँ जा रहा है, रे पकड़ना है ना इसको, दंगाई है ये पूरा। तो तू आया क्यों, अगर तेरे को ट्रीटमेंट कराना नहीं है तो ट्रीटमेंट कराने ही आता है, फिर भाग भी रहा है नौटंकी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर मुझे भी कोई केस दिखता है ना जिसको यहाँ पे लाना है, जरूरत है, तो मैं पीपल फार्म की एनिमल रेस्क्यू लाइन पे कॉल करता हूँ। यहाँ तक कि पीपल फार्म में या हमारी सेंचुरी में भी कोई एनिमल बीमार है तो उसके लिए हम रेस्क्यू लाइन पे कॉल करते हैं, सब कुछ सिस्टम से। कनिष्क आप माइंड करो कि हमें एक डॉग का नाम चाहिए, हम आपका नाम ले लें, कनिष्क। अच्छा। हम ले सकते हैं डॉग का नाम? ठीक है, तो कनिष्क मिल सकते हैं, कनिष्क से डॉग वाले चार पैर वाले से। पपीज हो ऑन जॉब फोन पे, देखो हाँ, से बात कर रही थी। इसका नाम कनिष्क है, इसका इशू क्या है? इसको
वुंड है पीठ में। गुड बॉय, गुड लुकिंग बॉय कनिष्क। हेलो। डॉग से हमारी ये कमिटमेंट है भैया कि तुम हम पे भरोसा करो, यहाँ पे मतलब आ जाओ और हम तुम्हारे पे भरोसा करेंगे, हम तुम्हें उंगली देंगे जब, तो तुम उसे चक मत मारना। यार एंजल एक अनरिलेटेड है, टेलीग्राम पे चेक कर देना एक स्पैम। कर लिया डिलीट। एंजल वो भी है मॉडरेटर। यहाँ तो आंदोलन सा चल रहा है, देखो किसी ने अपना जूता मार के किसी को फेंका है, जैसे रोष प्रकट करने के लिए करते हैं। कहाँ है, किसने मारा ये? वो सुंदर सी गाय नहीं दिख रही, ये जो चलती आ रही है ऐसे हीरोइन की तरह। हाँ इसका नाम भी है माधुरी। हाँ। ये कौन सा टेम्पो आ गया बंदर? यार ये जो बिना बुलाया कोई एनिमल ना हो। रुको 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 रुको, आप क्या लेके आ रहे हो? अच्छा कृपालू भैया को। ये वो आ रही है जो पीछे शेड डलना है ना किचन का। और मैंने अब आपको एक चीज बताई थी कि हमारा एक पीपल का पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है, और इनके बीच में हम एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगा रहे हैं, वो है ये ब्रश जो पहले हमारे जो रेजिडेंट काउशेड था पीछे वाला, उसमें जो ज़मीन थी वहाँ लगा हुआ था, वो ज़मीन हमारी छिन गई तो ब्रश यहाँ पे आ गया। एंड पीपल का पेड़ हमारा जम गया, इसमें पत्ते आ गए। जो हर चीज़ शूट करने के चक्कर में ना ये हुआ है मेरे साथ।